फीस भी ला काम है, जो दे दे उसका भला, ये ना दे उसका भी भला है। तो अगर कुछ लोग देना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो हम उससे जबरदस्ती नहीं मांगते। नहीं मांगते जी जी। ये हमारी ऑफिस मैनेजर है जी जी, ये वहाँ पर पायलट थी। अच्छा पायलट थी जी जी। गुड मॉर्निंग, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल आपको मैं व्लॉग नहीं दे पाया था क्योंकि मसरूफ था, और अब नींद से उठे हैं। इस छोटी को हो गया है थोड़ा सा बुखार, और इस वजह से आज स्कूल भी नहीं गई। मैं भी तैयार होके आता हूँ और फिर मिलते हैं और व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। रात अचानक छोटी की तबीयत ख़राब हो गई थी, और मैंने फिर अभी डॉक्टर वही साहब को कॉल करके उनसे टाइम लिया है कि उनकी तबीयत चेक करें। तो चलते हैं आवाम क्लिनिक पर। अमेरिका के अंदर स्पेशली ये ह्यूस्टन में ना सबसे सस्ता अपना कोई देसियों का कोई क्लिनिक है तो वो यही है। डॉक्टर साहब एबिट आबाद के हैं। ये देखें, क्लिनिक में घुसते ही बड़ी मशहूर तस्वीर थी जो अफगान वार में निकाली गई थी। इसके साथ डॉक्टर साहब के अपनी फैमिली के साथ तस्वीरें हैं, और इसके साथ एक तस्वीर है बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी, वो भी मैं दिखा दूँ। ये क्लिनिक ऐसा ही है, यहाँ हर मुल्क का झंडा नज़र आ रहा है, इराक़ का, तुर्की का, और उसके साथ फिर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अमेरिका, इंडिया। ये है यहाँ ये क्लिनिक, और ये देखें पूरा अफ़गानी कल्चर, जैसे ना रिली टाइप की चीज़ होती है वो। और यहाँ अफ़गानिस्तान का ये फिर झंडा। तो यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं वो अफ़गान बस्ती यहाँ करीब है, वहाँ से लोग आते हैं, तो शायद इसलिए यहाँ ये अफ़गानिस्तान का वो मशहूर जो एक जगह है जहाँ अंदर तस्वीरें बनी हुई हैं या मुजस्मे बने हुए हैं ना बुद्धिज़्म के, जिनको बाद में गिराया गया था तालिबान के टाइम पे। तो इस वजह से ये भी नक्शा है, तो कुछ इस तरह से है ये पूरा क्लिनिक। ये है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तस्वीर। गंदम या चावल छानते हैं, तो ये वाला गंदम और चावल छानने वाला भी इन्होंने शोपीस में लगाया है। इनकी एक और क्लिनिक है जो मैं रिचमंड में गया था कुछ दिन पहले, वो भी दिखाता हूँ। बड़ी खूबसूरत जगह पे इन्होंने बनाई है, वो क्लिनिक भी नई नई है, तो वहाँ भी ना लश ग्रीन है, तो वो भी वीडियो में दिखा दूँगा। तो यहाँ कुछ इस तरह के इन्होंने शोपीस रखे हैं, रक्षा, ट्रक, और ऊपर वो ड्रैगन। ये सारंगी है अफ़गानिस्तान की, ढोलकियाँ भी पड़ी हुई हैं। मेरे ख्याल में पहली दफ़ा क्लिनिक दिखा रहा हूँ अमेरिका में, एक बाल्टीमोर में दिखाई थी, और उसके बाद फर्स्ट टाइम मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। ये बनाया था 2018 में, तो बेसिकली अवाम अर्जेंट केयर, अवाम तो एक पाकिस्तानी होता है, अवाम का क्लिनिक, वो भी इसमें इसका मतलब है। दूसरा ये है कि मेरा AW इस अब्दुल वेद मेरा नाम है, और दूसरा AA एडम अरमान एंड एम मिशेल, तो बच्चों के नाम भी से मिलता जुलता है, तो दोनों इसमें मतलब मिक्स हो गए हैं। इत्तेफाक जी, दोनों मिक्स हो गए। ये तस्वीर का मुझे बताएं, ये किसकी तस्वीर है? ये बेनज़ीर की है, और मेरे साथ मेरे ससुर की तस्वीर है। अच्छा, तो ये मेरा ख्याल बेनज़ीर इधर ह्यूस्टन आई थी कुछ, आई एम नॉट श्योर कि कौन सा ईयर में, तो ये उनसे मिले थे। ये काफ़ी लोकल पॉलिटिक्स में ह्यूस्टन में इन्वॉल्व है, तो ये उनकी कुछ गैदरिंग हुई थी तो उसकी तस्वीर ले गई थी। और आप आए कैसे अमेरिका? मैं 2006 में भारत आया था जी जी, शादी मेरी हुई थी, शादी हुई थी उसमें से आया था। अच्छा अच्छा, तो यहाँ खोलने की वजह क्या थी और क्यों आपने खोला कि क्लिनिक यहाँ होना चाहिए? नहीं, इस एरिया पहले मैं रहा हूँ, तो मुझे पता था मिक्स एरिया है, अपने देसी बहुत ज़्यादा है, स्पेनिश कम्युनिटी बहुत बड़ी है,
तो उसके बाद अभी वन कम्युनिटी बहुत बड़ी हो गई है, जब ये कुछ हुआ था अफगानिस्तान में इंसिडेंट्स के बाद काफ़ी लोग इधर आ गए, तो अभी काफ़ी लोग इधर देसी रहते हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, अफगान और मिडिल ईस्ट के काफ़ी लोग रहते हैं। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि हर जगह पे फीसें ज़्यादा होती हैं और डॉक्टर जो है वो कोशिश करते हैं कि और जगहों पे हो, तो आपने इस बस्ती को चूज किया। फीस भी काम है, जो दे दे उसका भला या ना दे उसका भी भला है। अच्छा, बिल्कुल रियायत वाला। जी जी, ऑफिस फीस हमारा $25 है, अगर कुछ लोग देना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो हम उससे जबरदस्ती नहीं मांगते। नहीं मांगते। जी जी, तो अल्लाह दे देते हैं। अल्लाह। तो ये जो गरीब लोग हैं यहाँ, नए नए जो इमिग्रेंट्स आए हुए हैं, तो उनकी वजह से आपने ये खोला के ये होना चाहिए? उससे पहले का खोला हुआ है। अच्छा। मोस्टली पहले तो स्पेनिश एरियाज की वजह से खोला था, क्योंकि मैक्सिकन पेशेंट बहुत ज्यादा यहाँ पर, तो उसके बाद ज्यादातर हमारे पास अभी मुस्लिम पेशेंट है। जी जी, अपने सरिया के पाकिस्तानी, इंडियन, अफगान कम्युनिटी बहुत बड़ी है हमारी यहाँ पर, तो वो मेरा ख्याल 80% पेशेंट हमारे अफगानिस्तान से हैं। जी, तो इसलिए थोड़ा सा कल्चर भी वही है। और एबिडाबाद से यहाँ तक का सफ़र कैसे? अच्छा गुजरे, अभी काफ़ी अर्सा हो गया है, क्या है कि अभी तो अमेरिका अपना मुल्क है, यहाँ रहना जीने सही अपने अपने फील होते हैं। तो ये कितने हैं इसमें आपके तरीक़ेकार क्या है, थोड़ा डिफरेंट है पाकिस्तान से डॉक्टरों का यहाँ काम करने का? जी जी, डिफरेंट है। आप देखेंगे हमारा जो वेटिंग रूम होता है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद फिर क्या नाम है मेडिकल असिस्टेंट आते हैं, वो पेशेंट को जाके रूम में लेकर जाते हैं, फिर वाइटल वगैरह चेक करते हैं, तो उसके बाद फिर प्रोवाइडर वगैरह जाते हैं। बच्चे भी आते हैं? जी जी, बच्चे भी हैं, बड़े भी देखते हैं, जो भी पेशेंट मतलब कि 120 जो भी आ गया। जी जी, अर्जेंट केयर का क्या अकाउंट यहाँ काम होता है? इमरजेंसी, माइनर इमरजेंसी। आपको फॉर एग्जांपल आपको कोई बीमारी है, खांसी बुखार है या कोई रश हो गई है, तो आपने पीसी पे कॉल की, पीसी पे फुल है, तो अर्जेंट केयर कॉल कर सकते हैं, तो आप आ सकते हो। पीसीपी जिस तरह होता है कि आप किधर बुक हो जाते हैं, उनके पास अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, तो हमारे पास वॉक इन होते हैं, आप किसी वक्त भी आ सकते हैं। अच्छा, और आपकी टाइमिंग क्या है वैसे आने की? 9 to 9। 9 to 9। जी जी, कोई छुट्टी नहीं करते? कोई छुट्टी नहीं, संडे वाले टाइम थोड़ी डिफरेंट, लेकिन 7 days। जी जी। और देसी लोग आपका ही आके पूछते हैं क्या? जी जी जी, अभी तो काफी अच्छा हो गया, मतलब के ये आपने चीजें रखी हैं, तुर्किश मस्जिद है, सारंगी है शायद, है ना? जी, कुछ पाकिस्तान के ट्रक वगैरह है, क्रिकेट का बैट भी है वहाँ पर, कल अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच था। अच्छा। और रोजाना कितने पेशेंट आते हैं आपके पास? हमारे पास आ जाते 100 तक हो जाते हैं। जी जी, 100 डेली। और यहाँ ऐसा ही माहौल है जैसे, मतलब दूसरे क्लिनिक्स में जाओ ना तो थोड़ा विदेशी टाइप का और वो लगता है, यहाँ बिल्कुल देसी स्टाइल है और देसी तरीके से ही हमें भी मतलब फील, ये कंफर्टेबल फील करते हैं कि कुछ डॉक्टर को बता दें या कोई शेयर करें। तो ज़्यादा अफगानियों को लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होगा तो वो आप? नहीं, हमारे पास स्टाफ है, दरी बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं, आप देखेंगे शायद उर्दू भी बोलते हैं। जी जी, उर्दू भी बोलते हैं। और ज़्यादातर लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं होती होगी हमारी? जी जी, वही है कि हमारा ऑफिस भी $25 है, क्या आप बैठे आदत देते हैं, आदत देते भी नहीं कहते, मतलब कि वही तो दे दे ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये बड़ी बात है इस मुल्क में, ये बड़ी बात है कि कोई पैसे दे ना दे और इस तरह से हो जाए। अभी अफगानिस्तान से आए। अच्छा अच्छा, हेलो, वहाँ पर ये डॉक्टर थे। अच्छा, अभी अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं यहाँ पर। जी जी, मतलब इन आपको तो ये सहूलत है कि आपके मसले जल्दी हल हो जाएंगे, इधर 5-5 साल वाली खुआरी नहीं है। आप इनके साथ आए थे, अलग आए आप? नहीं, ये तो अभी आए। अच्छा, 5-6 महीने पहले आए। वीजे मिल रहे हैं ना? वहाँ से अफगानिस्तान? अच्छा 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 अच्छा, जरा कब है? स्कूल भी नहीं है, इधर यूट्यूब चैनल, लेट्स इनके वीडियो बनाए। ये ये क्या है? ये हमारी ऑफिस मैनेजर है। हां हां, जी जी, ये वहां पर पायलट थी। अच्छा, पायलट थी। जी जी, जो है डॉक्टर वहीद साहब से, जैसा वो डॉक्टर साहब मेहरबान बंदा हमें मिला है, हमें कुछ मतलब सब लोग इनके साथ खुश है। नहीं, डॉक्टर साहब बड़ा ख्याल रखते हैं हमारे सबका, नए की वजह से मतलब यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं इस क्लिनिक में, सन एंटीन्यू से, ऑस्टन से इलाज कराने के लिए। जी, सिर्फ यहाँ नहीं, मतलब बाहर से भी है? जी जी, हमारे पास अभी ऑस्टन से पेशेंट बहुत आते हैं, सन एंटोनियो से। जी जी, रीजन क्या है कि वो इंश्योरेंस नहीं है? रीजन जो है डॉक्टर वही खुद है। अच्छा, आपसे ताल्लुक जुड़ गया है? जी, ताल्लुक जुड़ गया। बड़ी बात है डॉक्टर साहब, ये तो मोस्टली इंश्योरेंस होती है उनके पास भी, लेकिन आते हैं। जी जी, मोस्टली एक तो होते हैं
आपने बताया कि हमारे पास सब लैंग्वेज बोलते हैं यहाँ पर, कुछ लोगों को मसला होता है कम्युनिकेशन का, तो इस वजह से जी। तो डॉक्टर साहब वहाँ जो इतना 3 घंटे सफ़र करके आ रहे हैं, तो वहाँ भी तो डॉक्टर होंगे ना? नहीं, और इसको यह है कि कुछ लोग होते हैं कि पश्तों का मसला होता है वहाँ, कोई दरी का मसला होता है। अच्छा, तो हमारा स्टाफ मोस्टली वो भी पाकिस्तानी है, अफगानी है? अफगानी जी जी। अच्छा जी जी, जो वहाँ रहते हैं? जी जी जी। गुड गुड। तो वहाँ से काफ़ी लोग आते हैं जी जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, और बहुत अच्छा लगा। यहाँ देखें अपने देसी कम्युनिटी की खिदमत भी है, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं फी सबीलिल्लाह है, जो लोग पैसे दे तो ठीक है, जो आकर देते ठीक है, नहीं तो जिनके पास नहीं है तो आप जोर नहीं करते कि भाई लाजमी दो। और यहाँ इवन दूसरा है कि मुझे आप इजी अप्रोच कर सकते हैं, मैं मोस्टली लोगों को अपना सेल फोन दे देता हूँ, अगर कुछ मसला हो रहा है तो मुझे कॉल करें। तो वो नहीं है किसी के पास पैसे नहीं है, या मतलब कि जो लोग पाकिस्तान स्पेशली आते हैं, पेरेंट्स आते हैं तो उनके पास इंश्योरेंस नहीं होती, कहते हैं कि उस डॉक्टर के पास जाएंगे, ये हो गया, इतने पैसे चार्ज कर, आप हमारे पास आ जाएं, अगर पैसे हैं ठीक है, नहीं तो। तो डॉक्टर साहब अमेरिका में कारें खैर करना बड़ी बात होती है, और वो भी किसी को पता तक नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने कोई अपनी पब्लिसिटी भी नहीं कराई, तो कहने का मकसद ये कि ये मुश्किल नहीं है अखराजात मीट करना? नहीं, हो जाते हैं अल्लाह शुक्र है, मतलब कि वो कहते हैं कि आप अल्लाह ताला से ज़ियारत करो, अल्लाह ताला आपको दे देते हैं। बड़ी बात है ये तो। बहरहाल गुड लक सर, अच्छा हुआ आपने इतने सारे लोगों को रोज़गार भी दिया हुआ है और उनकी ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। और मुझे भी आज पता चला कि ये सारा फी सबीलुल्लाह चला रहे होते हैं, जो पैसे दें तो ठीक है, ना दें तो खैर है। तो इस तरह से ये बड़ी बात है कि अगर अमेरिका के अंदर जहाँ खर्चे ज़्यादा हैं वहाँ फी सबीलुल्लाह क्लिनिक चले, तो बड़ी बात है। बहरहाल हम अब मैं मज़ीद क्या बोलूँ ना, ये ज़्यादातर वही तबका आ रहा है जो गरीब तबका है यहाँ, जिन जो नए लोग हैं। तो बात थी फिलू शार्ट की, तो मुझे जो है ना जल्दी जल्दी वायरल हो जाता है, मतलब वायरल तो हो ही सकता है कि मगर वो जो दूसरों से ना फिलू लगता है, तो उसको रोकने के लिए मैंने सोचा कि भैया आज लगवा दूं, तो $35 मैंने भरे हैं, क्योंकि मेरे पास इंश्योरेंस नहीं थी, और छोटी की जो मेडिसन है ना उसके लिए मुझे पे करने पड़े हैं $27। एक दिन के अंदर इतना ख़र्चा हो जाए ना, तो फिर बंदे को वैसे ही बुखार आ जाता है। ये तो डॉक्टर साहब की मेहरबानी कि वो बेचारे हमसे चार्जेस नहीं लेते, और हमारा ट्रीटमेंट जो है ना, जो भी चेकअप वगैरह है वो फ्री में करता है, बाकी हम मेडिसिन वगैरह के पैसे खुद दे देते हैं। और इस अमेरिका के अंदर देखें ऐसे लोग भी हैं जो सारे अखराजात भी उनके सामने हैं, लेकिन मुफ्त में इलाज भी कर रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, और फ्री में क्लिनिक चला रहे हैं। हैरत की बात है, वरना मैंने ऐसा कम सुना है कि कोई डॉक्टर हो या कोई और बंदा हो जो मुफ्त की सहूलत फराहम करे, मुफ्त की सर्विसेज दे। यहाँ हर चीज़ की कीमत है और लोग उसकी कीमत वसूल करते हैं। और आज उनके क्लिनिक को भी आपको दिखाया, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।